सो फ्रेंड, वेलकम टू फर्मियोन क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे भारत की डिफरेंट योजनाएं जो कि अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में है। तो शुरू करते हैं। पहली पेंशन योजना है जो कि इसका नाम है आसरा पेंशन योजना, जो कि तेलंगाना में शुरू हुई है। तो अगर कोई क्वेश्चन आया कि आसरा पेंशन योजना कहाँ शुरू हुई है, तो ये तेलंगाना में शुरू हुई है। दूसरी योजना का नाम है चिराग योजना, जो कि गरीब माता पिता के छात्रों को निजी स्कूलों में भाग लेने के लिए स्टार्ट की गई है। कहाँ पर? हरियाणा में। तो चिराग योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई है? हरियाणा में। आइए आगे बढ़ते हैं। अंडा और दूध योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये अंडा और दूध योजना ये केरल में स्टार्ट हुई है। इसमें हम लोग स्कूलों में अंडा और दूध सर्व करेंगे प्राइमरी स्कूल्स में। अब आगे बढ़ते हैं। तो नारी को नमन योजना ये शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में। इसमें हम लोग लेडीज़ को, जो कि हमारी फीमेल्स हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए 50% डिस्काउंट देंगे उनके बस के टिकट्स में। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है अर्न विथ लर्न योजना, ये त्रिपुरा में शुरू हुई थी। इसके बाद आता है कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री सारथी योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये फ्री कोचिंग के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड में स्टार्ट की गई। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, तो जैसे लाडली लक्ष्मी योजना फर्स्ट थी जो कि एमपी में शुरू हुई थी, सेम वैसे ही लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 भी एमपी में शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में। इसका मेन काम है लिंगा अनुपात में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं। नौवीं योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो जैसे कि झारखंड में स्टार्ट की गई है सारथी योजना, वैसे ही अनुप्रति कोचिंग योजना कॉम्पिटेटिव छात्रों को मुफ्त कोचिंग दिलाने के लिए राजस्थान में शुरू की गई है। और ये अंतिम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अम्मा और बहनी योजना, ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये सिक्किम में शुरू की गई है। सो फ्रेंड, थैंक यू।